हेलो मेरे 11th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अभी से ही अपने 11th क्लास की स्टडी में लग गए होंगे, अपने पेपर की तैयारी में लग गए होंगे। क्योंकि भाई 12th क्लास में ज़्यादा बच्चे फेल होते नहीं है, फेल होने का जो खतरा है ना वो ज़्यादातर 11th क्लास में ही होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं। जुलाई में आपका सेशन शुरू होता है, सितंबर में आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन, उसके बाद जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होते हैं वो भी उनके खराब हो जाते हैं और फेल हो जाते हो। तो भाई स्टडी अभी से ही अपने को करना है, और स्टडी करने से पहले अपने को समझना है सिलेबस। भाई सिलेबस में क्या कुछ है ना। तो देखिए आपके सिलेबस में मैं बता दूँ, 11th क्लास इकोनॉमिक्स की अगर हम सिलेबस की बात करें, ये आपका सिलेबस 2023-24 एग्ज़ाम के लिए है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। तो आपका जो मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो टोटल 80 नंबर का होगा, ये थ्योरी रहेगा, और 20 नंबर का आपका क्या रहता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसमें आपको फाइल वगैरह बना के देने होते हैं, टीचर को सबमिट करवाने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाता है। 11th में वाइवा नहीं होता है, लेकिन 12th में आपका वाइवा होता है, ठीक है। एक जो एग्ज़ाम रहेगा वो 80 मार्क्स का हो, उसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। अब बुक की बात कर लेते हैं, आपके पास दो बुक है, दो 11th क्लास में दो बुक है, एक तो आपका आर्थिक सांख्यिकी वाली रहेगी एक बुक है ना, और दूसरी आपकी रहेगी व्यष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी में नाम बता रहा हूँ, इंग्लिश में नाम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, स्टैटिक्स और फॉर इकोनॉमिक्स, और दूसरी आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये दो बुक आपके सिलेबस में है। हिंदी में मैं दोबारा बता दे दूँ, आर्थिक सांख्यिकी वाली एक बुक है आपकी पहली बुक, फर्स्ट बुक, और दूसरी बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, है ना। हम हिंदी में सिलेबस को जानने वाले हैं, क्योंकि भाई मेरे चैनल पर ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो भाई हिंदी मीडियम में ही मैं आपको पूरा सिलेबस समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी वाली जो बुक है, यानी कि सांख्यिकी वाली जो हमारी बुक है, उसमें पहला यूनिट रहेगा परिचय का यूनिट है आपका, इंट्रोडक्शन का रहेगा, जिसमें अर्थशास्त्र क्या होता है ना, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ और इसका कार्य क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है, इसको हम जानेंगे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट बोल सकते हैं। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं, ज़्यादातर हम किसी राइटर का बुक यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई चैप्टर नंबर अलग अलग दिए होते हैं। वैसे टॉपिक्स सेम ही आपको समझना है, आपके सिलेबस में जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, बस इन्हीं टॉपिक को आपको करना है इस साल के लिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा यूनिट रहेगा, यानी कि चैप्टर कह दें यूनिट कह दें, वो है डेटा का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतिकरण। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक जो यहाँ पर दे रखे हैं उसको आपको समझना होगा, जैसे कि प्राथमिक डाटा क्या होता है, द्वितीयक डेटा क्या होते हैं, है ना, इनको संग्रहण कैसे किया जाता है, इनको इकट्ठा करने का क्या तरीका है, ठीक है। इसके अलावा आप भारत की जनगणना विधि है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे हम टॉपिक किस में करेंगे, यूनिट नंबर 2 में करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं, अगर आपके पास अभी बुक मौजूद है तो बुक से भी इन सभी चीज़ों को, इन सभी टॉपिक्स को आप मिला सकते हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। तीसरा जो हमारा यूनिट रहेगा वो है सांख्यिकी उपकरण और व्याख्या, ठीक है। इसमें आपको क्या समझने को मिलेगा, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, जैसे कि माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है ना, और इसके अलावा आपके बहुत सारे आलेख वाले जो टॉपिक आ जाते हैं इसमें, पियर्सन का जो विधि है, ठीक है, स्पीयरमैन का जो रैंक सह संबंध की जो विधि है उसको आप समझेंगे। सूचकांक वाला टॉपिक रहेगा आपका, सूचकांक का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन का मूल्य सूचकांक क्या है, ये सारी चीज़ें, मुद्रा स्फीति सूचकांक, सरल सामूहिक विधि, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे टॉपिक आपको ये यूनिट 3rd में समझने को मिलेगा। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक ऐड किए गए हैं आपके यूनिट 3rd में भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुक नंबर जो हमारा 2 रहेगा, है ना, वो है अर्थशास्त्र का परिचय। इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोल देते हैं। तो इसका परिचय आपका बुक का नाम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र हम सिंपल में बोल देते हैं। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले में जो आपका जो पहला चैप्टर रहेगा, या जो फर्स्ट यूनिट, इसमें 4th यूनिट दे रखा है, तो इसमें आपका अर्थव्यवस्था क्या होता है ना, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, की अवधारणा को आप समझेंगे। उत्पादन संभावना और सीमांत और अवसर लागत की अवधारणा को भी आप समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र वाला टॉपिक है, उसको भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, प्लस में सीमांत और अवसर लागत वाला जो टॉपिक है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 5 हमारा रहेगा उपभोक्ता का संतुलन और मांग, है ना। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा भाई, अगर TRJN बुक का यूज़ कर रहे हैं आप, उसमें तो भाई
उपभोक्ता संतुलन वाले ही लगभग दो चैप्टर दे रखा है, और डिमांड का भी लगभग दो चैप्टर दे रखा है। मांग वाला अलग है और मांग का लोच वाला जो है वो अलग चैप्टर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इस सिलेबस में आपके एक ही यूनिट में सारे चैप्टर को ऐड कर रखा है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। टॉपिक्स आप मिला ले, देखिए जैसे कि उपभोक्ता उपयोगिता का उपभोक्ता संतुलन अर्थ क्या होता है इसका, है ना, सीमांत उपयोगिता, असमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्तें होती है इसको आप समझेंगे। उपभोक्ता संतुलन का उदासीन वक्र विश्लेषण, ठीक है, उदासीन, या इसको हम तटस्था वक्र विश्लेषण भी बोलते हैं, तटस्था वक्र विश्लेषण भी इसको हम बोल देते हैं, तो इसको आप समझेंगे। उपभोक्ता का बजट, बजट सेट और बजट रेखा क्या होता है, ठीक है, उपभोक्ता की प्राथमिकता है, उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र, इन दोनों का क्या अर्थ है, उपभोक्ता के संतुलन की प्रमुख शर्तें क्या होती है। उसके बाद हम मांग वाले टॉपिक में आ जाएंगे, तो मांग का अर्थ क्या होता है, बाजार मांग, मांग के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, मांग अनुसूची, मांग वक्र और इसकी ढलान इसको समझेंगे, गति और मांग वक्र में बदलाव, है ना, मांग की लोच, ये वाला जो टॉपिक है वो अलग से चैप्टर दे रखा है, TRZN में अलग चैप्टर बना रखा है इसका, मांग का और मांग की लोच वाला, है ना। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, मांग की लोच का मापन, प्रतिशत परिवर्तन विधि और कुल व्यय विधि, इसको भी आप समझेंगे। ये सारे टॉपिक आपको इस यूनिट में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम आएंगे उत्पादक का व्यवहार और आपूर्ति, आपूर्ति यानी कि आप इसको पूर्ति भी बोल सकते हैं, तो ये एक मतलब इसमें भी बहुत सारे, लगभग अगर हम किसी और NCERT में तो भाई एक ही में ही दे रखा है, लेकिन किसी और राइटर की बुक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 3 से 4 चैप्टर यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे भाई, उत्पादन फलन का अर्थ क्या होता है, अल्पकाल और दीर्घकाल में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के अर्थ को हम समझेंगे, लागत, अल्पविधि लागत मतलब अल्पकालीन लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तन परिवर्ती लागत, औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तन लागत, सीमांत लागत, इन सभी के अर्थ को और इनके बीच में जो संबंध होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद संप्राप्ति वाला टॉपिक आ जाएगा आपका, है ना, संप्राप्ति में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति का अर्थ, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, कुल संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति के बीच में रिलेशन जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उत्पादक का संतुलन भी समझेंगे, जो आपका सीमांत संप्राप्ति यानी कि सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति की अवधारणा के तहत, ठीक है। उसके बाद हम आपूर्ति वाले चैप्टर में आ जाएंगे, आपूर्ति जिसको हम बोलते हैं, तो पूर्ति का अर्थ क्या, मतलब आपूर्ति का अर्थ क्या होता है, बाजार आपूर्ति, आपूर्ति के निर्धारक तत्व क्या है, ये एक तरीके से उल्टा है, जो मांग वाला जो चैप्टर है ना उसका उल्टा है पूर्ति वाला चैप्टर आपका, है ना। तो आपूर्ति अनुसूची क्या होता है, आपूर्ति वक्र, इसके ढलान, आपूर्ति वक्र में बदलाव, आपूर्ति वक्र में जो जो भी बदलाव होता है, आपूर्ति की लोच, आपूर्ति की कीमत लोच का मापन करने की जो विधियां है उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी टॉपिक्स देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आखिरी यूनिट आपका रहता है वह है पूर्ण प्रतियोगिता, मूल्य निर्धारण और सरल अनुप्रयोग। इसमें हम बाजार के रूपों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में ही बस आपको समझना है। पहले क्या था कि इस चैप्टर में बहुत सारे बाजार के रूप और उसकी विशेषताओं को समझाया गया था, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में ही अब हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, विशेषता, बाजार संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, है ना, मांग और पूर्ति में बदलाव के क्या प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सिलेबस, और आखिर में आपका प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, जो आपका भाग सी रहेगा, है ना, सेक्शन सी, मतलब आपका जो पेपर रहेगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है, ABC। ए में आपका पूरा सांख्यिकी वाले बुक से आ जाएगा, बी में आपका आ जाएगा जो वेस्टेड शास्त्र है, और सी में आपका परियोजना कार्य आ जाता है, जो कि आपको टीचर जो दिशा निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग आप बना के एक फाइल दे देना उनको, आपको 20 में से 20 मिल जाएगा, 20 नहीं तो भाई 19-18 आपको कम से कम मिल ही जाने हैं, फाइल कम से कम आप बना के दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस हो गया इकोनॉमिक्स का। उम्मीद करता हूँ आप लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि रोशन भैया ये यूनिट हमारे को समझ में नहीं आया, आप मेरे को समझाए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र आईडी है रोशन शाह स्टडी पॉइंट के नाम से ही वहाँ पे बना रखा है आईडी, आप जाए फॉलो करें और वहाँ पे मेरे को मैसेज करें, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछे, मैं आपको अपना नंबर भी वहाँ पे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी अपना ख्याल रखें।